यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं, ये जैसे ही हम लोग इस गेट को बंद करते हैं, ये यहाँ पर एक स्विच जैसा लगा हुआ है, आपको दिखा दिए हैं, वो यहाँ पर ऐसे टच हो जाता है और ये। सो हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं डोर सिक्योरिटी अलार्म। तो उसके लिए आपको ट्रांजिस्टर चाहिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, BC547 का NPN ट्रांजिस्टर आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको दो रजिस्टर, एक 10K का होना चाहिए और एक होना चाहिए 100K का, और दोनों ही रजिस्टर क्वार्टर वाट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको एक LED, 3 वोल्ट 3 mm का LED आपको चाहिए एक। कोई सा भी आप कलर अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, लेकिन हम प्रिफर करेंगे आपको एक रेड कलर लेने का। उसके बाद आखिरी में एक चाहिए आपको एक बजर, यही होगा मेन कंपोनेंट हम लोग का डोर सिक्योरिटी अलार्म का। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं आपको कनेक्शन कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आपका ट्रांजिस्टर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको कहीं भी मतलब अच्छी जगह में दबा कर रख देना है, ताकि आपको सोल्डरिंग करने में कोई असुविधा ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है अपना LED, और आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है कि ट्रांजिस्टर में कैसे कैसे टर्मिनल होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं। जो ट्रांजिस्टर का सबसे पहला, जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है, वो कलेक्टर होता है, फिर बेस होता है, फिर एमिटर होता है। तो आपको कलेक्टर का पिन में आपको LED का नेगेटिव टर्मिनल को सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए करते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद 100K का रजिस्टर लेना है, उसके बाद एक टर्मिनल को आपको LED का पॉजिटिव टर्मिनल में सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए हमने एक रजिस्टर 100K का रजिस्टर को का एक टर्मिनल को LED का पॉजिटिव टर्मिनल से सोल्डिंग कर दिए, और बाकी जो एक टर्मिनल बचा रजिस्टर का, उसको आपको ट्रांजिस्टर का बेस लेग में, बेस टर्मिनल में आपको सोल्डिंग कर देना है, बीच वाले लेग में कुछ इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है 10K का रजिस्टर का, जिसको जिसका एक टर्मिनल आपको ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल में आपको सोल्डिंग करना है। तो चलिए उसको भी हम लोग सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद आपको एक स्विच लगाना है, और स्विच को आपको LED का पॉजिटिव टर्मिनल में, स्विच का एक टर्मिनल को आपको सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक 3 वोल्ट बैटरी की, मोबाइल का बैटरी का। आप भी कुछ आप कोई भी सा भी 3 से 5 वोल्ट के बीच आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको आपको देना है स्विच का और एक टर्मिनल बचा हुआ है, उसमें आपको सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद बैटरी का जो और एक टर्मिनल बचा, उसको आपको ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन में आपको सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है आपके मेन कंपोनेंट बजर की, और बजर को आपको जैसे जैसे LED का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा हुआ है, वैसे ही आपको बजर के पॉजिटिव टर्मिनल को LED के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बजर के नेगेटिव टर्मिनल को LED के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये देखिए आवाज़ करने लगा है। तो चलिए इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्विच लगाना ज़रूरी था। तो हम लोग का डोर सिक्योरिटी अलार्म हम लोग का बन के रेडी है। अब इसको एक ढांचे में लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ढांचा बनने के बाद ढांचे में हम इसको फिट कर दिए हैं, अपना जो सर्किट को एक ढांचे में फिट कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया है, ताकि जब भी मेरा गेट, घर का गेट जब भी बंद होगा, तो उसी के साथ साथ ये भी टच हो जाएगा,
और जैसे ही मेरा गेट खुल जाएगा, घर का दरवाज़ा खुलेगा, ये भी एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। तो ऐसे आपको एक देसी जुगाड़ लगाना है, और इसका दोनों का टर्मिनल, इस दो जो दो दो टर्मिनल है, इसको आपको एक टर्मिनल को आपको देना है एमीटर में, और एक टर्मिनल जो बचता है उसको आपको देना है 10K का रेजिस्टर में, जो एक टर्मिनल बचा था उसमें आपको सोल्डिंग कर देना है। और चलिए अभी अब इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए मैंने किया ऑन, ये देखिए बजर बजने लगा, बजर बजने लगा। जैसे ही हम इसको ऐसे टच करते हैं ये बंद हो जाता है, इसका मतलब अभी गेट बंद है। और जैसे ही हम कोई गेट खोलता है उसी के साथ साथ ये भी खुल जाएगा और ये बजर बजने लगेगा, तब भी आपको पता चल जाएगा घर में कोई बिना पूछे घुस रहा है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, हम लोग के घर के मेरे घर के दरवाजे में इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको हर टाइम तो नहीं चला सकते, सिर्फ रात को ही चला सकते हैं। इसके लिए जब रात होगा तो इसको हम लोग ऑन करके छोड़ देंगे, और जैसे ही सुबह होगा हम लोग इसको फिर से ऑफ़ कर देंगे, ताकि हर टाइम ये बजते ना रहे, सिर्फ रात को ही ये सेंसर काम करे। तो चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं हम लोग का घर के दरवाजे में। तो हेलो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो सेंसर बनाए थे आपको सर्किट, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर अपना घर का गेट में अप्लाई कर दिए हैं, मतलब लगा दिए हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, अभी रात हो गया है तो ये ऑन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अभी इसको गेट को खोल के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर गेट लगा हुआ है, गेट खोलते हैं। ये देखिए आवाज़ करने लगा, आप लोग देख सकते हैं आवाज़ कर रहा है, आपको माइक सामने ले जाकर दिखा रहे हैं, देखिए आवाज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको गेट को बंद करते हैं, लगाते हैं, गेट लगा रहे हैं, गेट लग गया, ठीक है। अभी देखिए ये बंद हो गया है, ठीक है बंद हो गया। फिर से एक बार खोल के देखते हैं, मान लीजिए कोई आएगा बिना परमिशन का, वो बिना परमिशन के यहाँ पर आएगा तो ये कैसे, अगर खोल देते हैं, ये देखिए गेट खोल दी, आवाज़ करने लगा, ठीक है। यहाँ पर एक मैकेनिज़्म है आप देख सकते हैं, ये जैसे ही हम लोग इस गेट को बंद करते हैं, ये यहाँ पर एक स्विच जैसा लगा हुआ है आपको दिखा दिए हैं, वो यहाँ पर ऐसे टच हो जाता है और ये सिग्नल भेज देता है कि अभी ये बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही गेट कोई खोलता है ये दूर हो जाता है, और ये स्विच एक दूसरे से दूर हो जाता है और एक ओपन सर्किट का बन जाता है, जिसके वजह से ये चलने लगता है, जो बजर है वो बजने लगता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग फिर से इसको बंद करते हैं ये टच हो जाता है, ऐसे करके ये काम करता है। तो ठीक है, अब देख सकते हैं अभी इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हर टाइम इसको जलाना ठीक नहीं, जब सोएंगे तब जलाएंगे। इसको बंद कर दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप ही का भाई का चैनल है। तो मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।